कंबल निकालने पड़ेंगे, मतलब पंखा चलाओगे तो कंबल ओढ़ना पड़ेगा। और ऐसा भी बहुत बार होगा, ऐसा भी बहुत बार होगा कि यहाँ से बाहर निकले, सड़क के उस तरफ बारिश और इधर बारिश नहीं। लगभग रिटायरमेंट लेने के बाद कहीं का भी हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो, रिटायरमेंट लेने के बाद भागते हैं कि देहरादून में घर बनाए। कभी उधर जाना हो ना आपको घूमने के लिए, घंटाघर, राजपुर साइड, शास्त्रधारा, तो वो एरिया ये लीची के लिए बहुत फेमस है। रायपुर मतलब लीची देहरादून की बहुत फेमस है उस तरफ की, इधर तो कोई लगाता नहीं है। ये एरिया जहाँ हम बैठे हैं ना, ये एरिया एक्चुअली देहरादून का नहीं है, तो देहरादून का आउटर एरिया है, मतलब बाहरी एरिया है देहरादून का। रियल देहरादून तो वो है राजपुर, घंटाघर, शास्त्रधारा रोड मिलेगा आपको, रायपुर वो है इधर। लेकिन उधर इतनी भीड़ होगी अब कि लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ रहा है, चले फिर स्टार्ट करें नया चैप्टर। जब हमने बाहर जो बिल्डिंग है ना, न्यूमेरिकल के लिए तो होमवर्क मिलेगा ना, वो करोगे भाई, उसके बाद सॉल्यूशन कराऊंगा मैं तो उन्हें। पहले कुछ दिमाग खपाओगे ना, कुछ उल्टा सीधा दिमाग लगाओगे, कुछ करोगे, उसके बाद मैं हल करवाऊंगा सीट जो दूंगा आपको, इसलिए बनवा रहा हूँ। इन्हें गिनती नहीं है कुछ, हाँ जो बाहर बिल्डिंग है ना वो देखी होगी आपने, जहाँ पहले एकेडमी थी सड़क पे, 2014 के लास्ट में, 2014 के यहाँ लास्ट में क्या, 13 के लास्ट और 14 के स्टार्टिंग में वो बिल्डिंग बनी थी। और ये आसपास ये एरिया पूरा खाली था ये, और जहाँ ये घर और ये सब बनी हुई है कॉलोनी, इसमें पूरी में बच्चे सर्दियों में क्रिकेट खेला करते थे, और बरसात में इतना पानी भर जाता था कि कोई इधर को आता भी नहीं था। है और देखते देखते इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और मॉल स्टोर इतने खुल गए कि आज ये दोस्त पहली बार आगे बैठा है, नहीं तो हमेशा पीछे बैठता है। यार मैं पैदल नहीं चला, मेरे घुटनों में, मेरे पैरों में वैसे ही दर्द हो रहा है यार, मुझे खुद अब अपने आप ऊपर ये डाउट हो रहा है कि मैं चढ़ाई चढ़ पाऊंगा नहीं, 20-22 किलोमीटर है। हाँ एक दिन में तो बहुत खाली बन जाऊंगा मैं कि जाके अरे नॉर्मल चलने में ठीक है, वहाँ ऐसे पूरा पहाड़ ऐसे तो हैं, रस्सी पकड़ के चढ़ ही लेंगे यार, 60 साल के बुढ़े आदमी चले जा रहे भाई,
सपोर्ट के लिए होती है, बॉडी का वेट आगे की तरफ रहे ना। नहीं सब लोग ना, वो कंपलसरी है नीचे से, जब रजिस्ट्रेशन होता है ना तो उसका मतलब उसे लेके जाना है 20 रुपये में, आते हुए फिर वापस कर देना है, 10 रुपये तुम्हें वापस मिल जाए हैं। ये इसके बेनिफिट बहुत हैं, जाते हुए भी और आते हुए भी, इसे पूरा बॉडी का वेट ले लेती है ना ये, और आते हुए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आते हुए तो बहुत चढ़ा, कहीं कोई ऐसे भी है ना। चलो फिर शुरू करते हैं, बहुत ही छोटा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ ये बार बार थोड़ा ही बोलूँगा यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए इसमें लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा है जो स्थैतिक यानी कि स्टैटिक आवेश के बारे में विज्ञान की वह शाखा है जो स्थैतिक आवेश के बारे में, क्या बोलेंगे इसे, स्टडी करने से संबंधित है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम लोग स्थैतिक चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का सिर्फ रोल इसे पढ़ना मात्र है। आज भी जब हम लोग देखो, जनरेटर से कितनी बिजली बनाते हो, सिंक्रोनस जनरेटर से भी अगर पावर प्लांट में 11 KV, लेकिन यदि आज भी आप 10 की घात 4, 10 की घात 6 वोल्टेज के अगर सोचते हो तो एक जनरेटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो नियम है इसके कई सारे अलग अलग एप्लीकेशन हैं, जैसे अल्ट्रा हाई वोल्टेज जनरेशन। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल को आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर बहुत उच्च वोल्टेज को नापता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल हमारी इंजीनियरिंग का एक बेसिक अध्याय भी है, साथ के साथ इसके अपने एप्लीकेशन भी है। और इस अध्याय की शुरुआत होती है, जो हमने बेसिक जानकारी में कुछ छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी, आवेश, अरे पढ़ा था यार, धारा, तो इसकी जो जड़ है वो अभी भी वहीं पर है। तो हम लोगों ने ये कहा कि देखिए जी यार, ये नहीं लिखेंगे इसमें ना, ये पहले हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी कि इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, प्रोटॉन पे ना, ये हमने लिख लिया था, वैसे ये इस चैप्टर में भी आता है।
तो सबसे पहला जो टर्म है बेटा वो है आवेश, यानी कि चार्ज। लिखा हमने ये भी था पहले, लेकिन यहां पर ये देखना है क्या आपको याद है q बराबर में n e a d कूलम्ब, याद है भाई? n यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e यहां पर चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर, a कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, और d डिस्प्लेसमेंट है, जो कि मैंने पहले भी पढ़ा था यार। फिर इसी में हमने पढ़ा था कि a बराबर अगर 1 हो और d बराबर भी 1 हो तो q बराबर में n e, पढ़ा था भाई, जिसमें हम लोगों ने पुरानी चीजें थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आपको। एक कूलाम के लिए 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, ये लिखा था ना हमने। ओके जी, फिर हमने देखो पुरानी चीजों की अगर हम बात करें, धारा यानी कि करंट, बालमुकुंद जी नींद ले रहे क्या? I इज इक्वल टू कूलाम पर सेकेंड, या फिर हमने पढ़ा था dQ बाई dt। बेटे चीजें हमने पहले ऑलरेडी पढ़ी थी, अरे सीखा था ना ये सब। ओके, तो हम लोग शुरुआत करेंगे कूलाम के नियम से, फिर हमने कुछ चीजें और लिखा दूं। जब आप ये लिखते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, ये इसे अपनी तरफ, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। और बेटा पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव और नेगेटिव, इनके बीच में क्या होगा? बहुत बढ़िया, प्रतिकर्षण। ठीक है जी, ये हमारा बेसिक था जो हमने पहले सीखा है और पढ़ा है। चलिए जी, तो हम लोग चलेंगे कूलाम के नियम पर। कूलाम का नियम, इसे लिखना है, जो कूलाम का नियम होता है ये पूछ लिया जाता है कि ये किससे बिलोंग करता है या किसके जैसा है। तो यह है न्यूटन के ग्रेविटेशन सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करता है। किसके जैसा होता है, कार्य करता है, या फिर न्यूटन के ग्रेविटी के जो नियम है उससे मिलता जुलता है। याद होगा देखो आपको, ये दो ग्रह हमारे बीच में प्लेनेट है बेटा, एक का द्रव्यमान m1 है, एक का m2 है, इनके बीच की दूरी बेटा d है। तो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम है वो है एफ m1 m2 बटे d स्क्वायर। यहाँ पर आप एक
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाते हो जिसे आप जी कहते हो, एम वन एम टू बटे डी स्क्वायर। चलिए साहब, जी का मान कितना, 6.67 इंटू 10^-11। ये जी का मान आता है, यहाँ से इसकी यूनिट भी आ जाती है, ठीक है। मतलब ये तो मैंने एक्स्ट्रा फिजिक्स वाली चीज़ लिखा दी आपको। तो जब हम कुलाम के नियम की बात करते हैं बेटा, यहाँ हम लोगों ने ले लिया पॉजिटिव के, एक हमने ले लिया जी Q1 और एक हमने ले लिया जी Q2। अभी पॉजिटिव निगेटिव में उलझना ही नहीं, और इनके बीच की जो दूरी है ये ले ली हमने साहब d, ठीक है भाई। तो हमें जो बल मिलेगा बेटा वो है समानुपाती Q1 Q2 बाई d स्क्वायर, यही तो मिला हमें Q1 Q2 बाई d स्क्वायर, और क्या रहेगा जी देखिए न्यूटन। यहां से हमें एक स्थिरांक मिलता है के Q1 Q2 बाई d स्क्वायर न्यूटन, और k का जो मान होता है, k का मान होता है 1/4πε, ठीक है जी। यहां पर एप्सिलॉन को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, पैराविद्युतांक बोलते हैं ना परमिटिविटी को, एब्सोल्यूट मतलब जो परम है, परमिटिविटी पैराविद्युतांक ही तो बोलते हैं, विद्युत पैराविद्युतांक बोलते या विद्युतांक बोलते हैं, यही कुछ बोलते हैं इसे पैराविद्युतांक। तो आपको ये समझना है कि एप्सिलॉन का जो मतलब होता है बेटा, ये होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, है ना, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। आर का जो मतलब है, एप्सिलॉन आर है बिल्कुल सापेक्ष पैराविद्युतांक, सापेक्ष पैराविद्युतांक निर्भर करता है पदार्थ पर या मटेरियल पर या मीडियम पर कहें भाई, मीडियम कौन सा है जहां चार्ज रखे हैं, तो निर्भर करेगा मीडियम पर। पहले इतना लिखो फिर आगे चलेंगे। अरे भाई वो रेजिस्टेंस टू वीडियो में कुछ ऐसा था ही नहीं यार, नॉर्मल हम बात बात कर रहे थे भाई, तो इसलिए अपलोड नहीं करी। ये पीछे वाला एसी ऑन करके आना, ठंडा हो जाएगा 9 बजे तक। सही है, रहने दे भाई, फिर हाँ ज्यादा ठंडी में भी नहीं रहना, तबीयत खराब हो जाएगी। मैं मौसम का मजा तो ये ले रहा, फुल अच्छा लग रहा है। हाँ
मुझे से पसंद ना हो। सर जी हमें अग्निवीर बना दो, एक बच्चा लिख रहा सर जी हमें अग्निवीर बना दो। एक चीज को एक एंगल को देखे तो ठीक भी था, जितने वैसे घूम रहे सबों कुछ काम धंधा तो मिलेगा 2-4 साल के लिए। कुछ नहीं होना जो गाड़ी वाड़ी तोड़ रहे तो। नहीं तो इन्हें कौन सा फर्क पड़ रहा कि है? लागू होगा नहीं लेकिन नुकसान तो हो जाएगा ना, सरकारी संपत्ति की इतनी बाढ़ लग जाएगी। मैं तो बोल ही रहा था उसमें। इससे बढ़िया एक योजना ये थी, कुछ लोग ये लिख रहे थे, इससे बढ़िया तो नहीं ये करो ना, पहले ही जितने लोगों को ये अग्निवीर बना रहे हैं बाद में कितनों को परमानेंट करेंगे, मतलब 4 में से 1 है जी, हर साल कितने अग्निवीर भर्ती करने का टारगेट है? 1,000 ना। अच्छा तो एक काम करो ना, 40,000 को डिवाइड बाय 4 करो, 10,000, तो 10,000 परमानेंट भर्ती निकाल दो। नहीं यार छोड़ो, इनके ही अगर लॉजिक पे चले भाई, ये शुरुआत में ही 50,000 वो क्यों दे रहे? तुम 50,000 का डिवाइड बाय वो 12,500 को शुरू से ही परमानेंट करो, हर साल 12,500 की भर्ती निकालो, क्यों 4 साल का झंझट रख रहे भाई? बाद में इन्हें बेचारों को बाद में लॉलीपॉप क्यों दे? और 10-12 लाख रुपए अगर देने ही है है? 30,000 रुपये मिलेगा, 21,000 रुपये पहले में मिलेगा, 9,000 रुपये कट जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें बोलता भी रहता हूँ कि पढ़ लो अपना, 1-2 साल में जितनी जल्दी हो सके अपना सेटल हो जाओ, नहीं तो ये भी नियम आ सकता है कि पुराने टाइम में आईटीआई वाले या डिप्लोमा करे वाले कोई वैलिड ही नहीं है, मतलब कोई भरोसा नहीं है, पॉलिसी बड़ी उठपटांग भी दे दे रहे ना भाई। सब चीजों में अगर देखा जाए तो सारी चीजें पहले नेताओं को लागू करनी चाहिए, नेताओं पे लागू होनी चाहिए सारी चीजें। और इनका मैं तो बार बार बोलता हूँ कि नेताओं का सामाजिक विज्ञान का पेपर हो ऑब्जेक्टिव, बढ़िया था, नेगेटिव मार्किंग हो। चलिए जी, एप्सिलॉन आर जो सापेक्ष पैराविद्युतांक हमें लिखा, एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है हवा में या फ्री स्पेस में। और देखिए जी, कोई इसकी जो मात्रक है वो कुछ नहीं बनेगा भाई, इकाई कुछ नहीं है, कोई इकाई नहीं होगी। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है 8.854 × 10^-12 फैराड पर मीटर,
8.854 × 10^-12 फैरड पर मीटर। बेटा ये भी आ जाता है एग्जाम में। अरे ये एक ही तो है, 5 तक लिखे 4 तक। ये अगर 8.8 × 10^-12 भी देगा तब भी यही है। तो इसे कहा जाता है हवा का पराविद्युतांक। हो गया जी। तो हमें जो सूत्र मिला एफ बराबर में 1/4π ε₀ε₀r Q1 Q2 / d² न्यूटन, यही तो नियम मिल गया हमें। अब हमने ये कहा यहाँ पे कि यदि आवेश हवा में स्थित हो तो Q1 हवा में स्थित अगर होगा तो एप्सिलॉन नॉट बराबर में 8.854 × 10^-12 रखेंगे F/m, एप्सिलॉन आर का मान 1 रखेंगे तो F का मान आएगा 9 × 10^-9 Q1 Q2 / d² न्यूटन। यदि आवेश हवा में रखे हों तो है? क्या हुआ? क्यों नहीं देखा? दो आवेश हवा में या फ्री स्पेस में स्थित है तो देगा बकायदा। देखो भाई, ए भाई अंग्रेजी मास्टर, पैरा वैद्युतांक ये देखो, पहले अंग्रेजी में लिखा परमिटिविटी, इसके बाद हिंदी में लिखा। अब देखो ध्यान से, ये समझना है कि जब हम बात ये करते हैं कि भाई प्लस प्लस, यानी कि जब समान चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और जब अपोजिट लेते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हमने एक छोटा सा सवाल ये लिया कि ये हमने प्लस के 5 ले लिया, और ये हमने माइनस के 2 ले लिया। जैसे ये ए है और ये बी है, इनके बीच की जो दूरी है ये 1 mm रख दे। मैंने आपसे नॉर्मली सवाल पूछा कि ए बी पर किस दिशा में बल लगाएगा, तो हमने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। मैंने आपको ये कहा कि आवेश ए आवेश बी पर किस दिशा में बल लगाएगा, हमने कहा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अलग अलग है, जैसे ए दिशा में, बी दिशा में, सी दिशा में और डी दिशा में।
ऑप्शन ए बी दिशा में, ऑप्शन बी डी दिशा में, ऑप्शन सी ए दिशा में, ऑप्शन डी सी बी सी दिशा में। बताइए जो ऑप्शन क्या है। ऑप्शन बताइए। अरे यार इतना मुश्किल है क्या? तो अब देखो जी, कौन से डायरेक्शन ये इसे अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है? तो देखिए गलती कहाँ है, कॉन्सेप्ट तो आसान था, कर लिया। तो बच्चा जल्दबाजी में इसे टिक करता है, जैसे उसने कहा ए तो वो ऑप्शन ए को अपना टिक कर बैठता है। 50% लोग ये गलती करते हैं। ये देखिए कि डायरेक्शन ए लिखा कौन से ऑप्शन में है, डायरेक्शन ए लिखा है ऑप्शन सी में। भाई इसको खींचेगा अपनी तरफ, फिर इसमें क्या है नेक्स्ट, दो आवेश, दो माइक्रोकुलाम तथा -5 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 2 mm दूरी पर रखे हैं तथा दोनों आवेश हवा में रखे, तो दोनों के बीच लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। चलिए न्यूमेरिकल है, जल्दी बताइए। अबे न्यूमेरिकल बुक जब मिलेगी आपको सूचित कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव बुक आप अपना परचेज कर लेना, जब मिलेगी तो बता देंगे भैया। है बराबर 9 × 10^9 अरे Q1 का मान 2 × 10^-6 कूलाम, Q2 का मान 5 × 10^-6 कूलाम, प्लस माइनस तो आकर्षण प्रतिकर्षण बताएगा और तो कुछ नहीं बताएगा ना। जो डी का मान है ये होगा जी सीधे सीधे अपना 4.5
ये तो मिल गया। अच्छा 5 भी है भाई, गुणा 10 की घात 6 से 10 की घात 6, 10 की घात 3, ये मिल जाएगा मेरे हिसाब से तो 22.5 तो ये मिल गया हमें 22.5 गुणा 10 की घात 3 mm में दिया है ना, mm को मीटर में जब करेंगे तो 10^-3 करेंगे ना दोस्त। नहीं नहीं प्लस और माइनस तो ये बताते कि अट्रैक्शन है या रिपल्शन है दोनों में ना। चले भाई आगे बढ़े फिर। यार इसमें भी दिक्कत है, ये तो नॉर्मल आप ही लोगों को करना था, माने तो रखने थे इसमें। मैं मान रखने थे, हल करना था आप ही लोगों को। ये चले जी नेक्स्ट है हमारा। विद्युत क्षेत्र क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बेटा क्या प्रॉब्लम है बताओ। हाँ बताओ। है फिर है तो इसका स्क्वायर नहीं करेगा। टेन की पावर माइनस तीन का भी तो स्क्वायर करेगा ना, तो 10^-3 का स्क्वायर कितना है? 10^-6 देखो विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है ये लिखिएगा। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें मान लिया कोई आवेश रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सके, क्षेत्र जिसमें आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव जिसमें वह छूट गया अनुभव करता हो
उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती है बेटा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव आवेश की तरफ जाती है। मतलब चुंबक नहीं है नॉर्थ वाला ना, पॉजिटिव नेगेटिव आवेश है, तो ये पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जाती है। ये एक दूसरे को काटती नहीं है, पास पास में रहने, पास समझा नहीं, पास पास में मतलब चुंबक नहीं है ना यार, ये चुंबक है क्या बताओ? ये तो आवेश है, आवेश अलग है, चुंबक अलग है, भावनाओं में बह जा रहा, दिमाग घर छोड़ गया क्या है भाई? या किसी की याद आ रही है? तो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर जाएगी। देखिए एक शब्द हुआ करता है जिसे हम जैसे आवेश सीखते हैं तो आवेश को ही एक अन्य नाम से भी जानते हैं। जैसे एक शब्द है जिसे आप लोग कहते हो विद्युत फलक, जिसे हम साइज से ऐसे डिनोट करते हैं। ये चुंबकीय फ्लक्स नहीं है, अभी लिखने वाले जैसे इंटेंसिटी है तो कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करते। विद्युत फ्लक्स लिखा है, चुंबकीय फ्लक्स नहीं लिखा भाई। चुंबकीय फ्लक्स 5 वेबर वो अलग है, यहां हमारा ये विद्युत फ्लक्स है। तो विद्युत फ्लक्स का मतलब देखिए समझेंगे क्या है। धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश पर जाने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसकी इकाई क्या होगी भाई? इसकी इकाई कूलम होती है। मतलब अगर आपको एग्जामिनर घुमाए कि विद्युत फ्लक्स की इकाई बताओ तो बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, विद्युत फ्लक्स का नाम सुनते ही चुंबकीय फ्लक्स समझ के वेबर लगा। कमाल की चीज़ ये है तो कि ये मैंने तुम्हें बता दिया कि यहाँ गलती करेंगे, लेकिन फिर भी 50-60% लोग फिर भी गलत करके आएंगे एग्जाम में। साई बोलते हैं उसको। ठीक है जी,
इसी से संबंधित है, दो लाइनें आपको जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ स्टेटमेंट देकर ये पूछ ले कि ये किसका स्टेटमेंट था, तो आपको याद होनी चाहिए, इसी से संबंधित है। देखिए, गॉस का नियम, इसे संबंधित है ये गॉस का नियम। तो देखिए, गॉस का नियम ये कहता है, मान लिया हमारे पास में है कि कोई एक ऐसे सतह है एक पूरा बंद परिपथ है हमारे पास में कोई भी सतह है हमारे पास में तो इसके ऊपर में इसमें कुछ अलग अलग आवेश रखे हैं। ठीक है जी, ये कुछ आवेश रखे हैं इसमें। तो गॉस ने इसको लेकर नियम दिया और गॉस का नियम ये कहता है किसी भी बंद सतह के द्वारा बंद किए गए आवेशों का योग उस सतह पर विद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। यानी विद्युत फ्लक्स का मतलब है साई बराबर में ये। अब देखिए जी कैसे, टोटल विद्युत फ्लक्स ये बताओ पॉजिटिव Q1 है, Q2 बेटा नेगेटिव है, Q3 पॉजिटिव है, Q4 नेगेटिव है, Q5 पॉजिटिव है, Q6 पॉजिटिव है और बेटा यहाँ Q7। तो टोटल विद्युत फ्लक्स इस आवेश के योग के बराबर है। आवेश तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव है भाई, कोई 10 है एक -5 है तो रिजल्ट तो 10 में से -5 बचेगा। अरे कल लाइव नहीं हुई थी, कल रिकॉर्ड गई थी, इंटरनेट थोड़ा दिक्कत कर रहा था। है आवेश तो डायरेक्ट जुड़ेगा और घटेगा ना। आवेश तो अदिश राशि है जो करंट है। करंट क्या है, नॉर्मली जो बेसिक परिभाषा है करंट की वो है चार्ज बहने की जो दर है, आवेश परिवर्तन की दर, आवेश बहने की दर को धारा कहते हैं। तो जो धारा पूछेगा वो भी अदिश राशि है। हाँ, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेंसिटी है सर। अरे लिख लिया भाई, गलत तो नहीं करोगे। हो गया, लिख लिया सबने।
नेक्स लिखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लग गया क्या? चलिए जी, देखो जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं, जैसे ई से डिनोट करते हैं हम लोग, इसका मतलब होता है कि इकाई आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका सूत्र इंपॉर्टेंट है, लिखिए जरा, इकाई धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, तो इसे प्रदर्शित करते हैं ई से। ई बराबर में बल बटे आवेश यानी एफ अपॉन क्यू। चलो जल्दी से बोलो कि एफ की इकाई क्या? शाबाश, न्यूटन पर कूलम। ये भैया इसका ओरिजिनल सूत्र है, इकाई धनात्मक मीन्स प्लस वन। अरे अगर हम इकाई के लिए निकाल दें तो क्यू का मान कुछ भी रखते चले जाइए ना, उसी के लिए निकाल देंगे। हम इकाई इसलिए लिखते हैं इकाई धनात्मक कि हम प्लस वन के लिए लिख रहे हैं। मान लिया हमें 10 के लिए लिखना तो भाई 10 हो जाएगा, हमें 20 के लिए लिखना तो 20 हो जाएगा। तो हमने क्या कहा जी, ई बराबर में एफ अपॉन क्यू यानी कि न्यूटन पर कूलम। देखो सदिश राशि का मतलब है जिस प्रकार से बल आवेश के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके किसी भी दिशा में लग रहा था, पॉजिटिव में, नेगेटिव में या किसी भी दिशा में, उसी प्रकार से इसमें भी मान निकालते समय दिशा बहुत जरूरी होती है। आगे चले फिर, देखो जी मान लिया हमारे पास में दो आवेश है बेटा, इसको थोड़ा सा समझिएगा। एक हमारे पास Q1 है, एक हमारे पास में Q2 है, ये A है और ये B है। दोनों के बीच की दूरी d दी गई, ठीक है जी। हमने कहा इसमें बल लिखिए, तो F बराबर में कॉन्स्टेंट K का मान हमें पता ही है, 1/4πε0εr, Q1 Q2 बटे, अरे यही होगा भाई। ओके जी, हमने कहा कि
आवेश ए पर तीव्रता, आवेश ए पर तीव्रता हमने कहा ई ए है जी, ठीक है भाई, हमने ई ए का मान निकाला, ई ए बराबर बल बताओ फटाफट से, के क्यू वन क्यू टू बटे तीव्रता निकालते समय जिस पर हम तीव्रता निकालेंगे बटे में वो आवेश, देखो ना सूत्र क्या है, तो किस पे निकाला, अगर ए पे निकाल रहे हैं तो भाई ए का मतलब क्या है, क्यू वन, क्यू वन से क्यू टू कट गया, तो ई ए बराबर में के क्यू टू बाई जिस पर तीव्रता निकाली जाती है, कैलकुलेशन में वो आता ही नहीं, नहीं आया ना, अरे Q1 से Q1 कटेगा, इसी इसी प्रकार से अगर हम ये कहें कि आवेश B पर तीव्रता EB, तो हम सीधे लिख लें EB बराबर में K अरे Q2 पे लिखेंगे तो Q2 नहीं आएगा, ऊपर क्या बनेगा Q1, न्यूटन पर कूलाम, यहाँ पे न्यूटन पर कूलाम, हाँ भाई दोस्त सही है, है? ये वाला फिर इसका मतलब तो इसमें भी इसे भी नहीं क्या आया बता, हाँ तो यहां पर उनमें कौन सा आवेश रखोगे, अगर ईबी पे तीव्रता निकालोगे तो क्या रखोगे बटे में, हैं? तो क्यू टू से क्यू टू काट देंगे, कुल मिला के काटने काटने का झंझट में पड़ने से बढ़िया ये याद रखो कि जिस पे इंटेंसिटी लिखनी है कैलकुलेशन में वो ही नहीं आना, ठीक है जी, क्योंकि वो कट जाना है, लिखो जरा यहां फिर आगे चलते हैं, चलिए जी चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, गोलाकार सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
वो एक गोलाकार बॉडी है हमारे पास में, चाहे हम गोलाकार के रूप में कंडक्टर को ही ले लें, ये है जी। इसकी जो रेडियस है यार, ये तो स्मॉल आ रहा है, ठीक है। और यहां से एक बिंदु P है, जो दूरी है कैपिटल R, ठीक है जी। और ये जो गोलाकार सतह है, इसका जो आवेश है भाई, ये है देखो Q। स्पेयर बोलते, जैसे बॉल होती है ना, वो नॉर्मल ले लो। चलो एक बच्चे को थोड़ा सा समझा दो जरा। निशांत जी, आपके जवाब दे दिया था मैंने ना, कि रिकॉर्ड की थी मैंने कल की वीडियो, लाइव नहीं ली थी। ज्यादा हीरो मत बनो कि कोर्स हमने ले रखा, ये ले रखा, ठीक है। तुमने कोर्स खरीदा है, मुझे नहीं खरीदा, ये दिमाग से गलत फहमी निकाल दो। पढ़ना है तरीके से पढ़ो। अब मैं पढ़ाऊँ या तुम्हारी ये छिछुरी हरकतें देखूँ मैं? मतलब हमने कोर्स ले रखा, हमारे कमेंट पढ़ो। तो मास्टर को बिल्कुल नौकर समझ रखा। अब पढ़ाने पे ध्यान देगी इनके मैसेज पढ़ने पे? भाई देखो, ध्यान से देखना है कि हमने लिखा बिंदु P पर त्रिज्या। अगर तुम समझे होंगे तो लिख दोगे कि तो स्थिरांक है ना यार, 1/4 पाई। आवेश कितना है बोलो? क्यू अपॉन दूरी कितनी है? कैपिटल आर है। तो हम क्या लिखेंगे? कैपिटल आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। अरे भाई, ये भी तो यही था। हमने कहा सतह यानी कि सरफेस, ये इस गोले की सतह है ना, सरफेस पर तीव्रता, तो E बराबर के क्यू पॉन। अब दूरी कितनी है भाई? सेंटर से देखी जाती है दूरी, स्मॉल आर ना, वेरी गुड, स्मॉल आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ठीक है भाई। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, विद्युत क्षेत्र की जो लाइन्स हैं, जैसे आपने कहा था अभी कि अंदर से नहीं जाती, वो कभी भी कंडक्टर के अंदर से नहीं पास हो सकती है जी। मतलब लास्ट है सरफेस, इसके अंदर से नहीं। जब अंदर से पास नहीं होगी तो तीव्रता कुछ नहीं होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि ई इनसाइड, इनसाइड मतलब सतह के अंदर, वो सदैव क्या लिखना है? अरे अंदर मतलब इसके अंदर किसी भी बिंदु पर, कहीं भी हो, अंदर मतलब शून्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो जी, अमित जी मैग्नेटिज्म आने दो, अपने आप कर लोगे ये सवाल, ठीक है। एक से बढ़ गए एक नमूना है यार। आज कितनी तारीख होगी? 17। क्लास लेते मुझे एक महीना हो गया है जी। 16 आज से तो शुरू की थी।
हाँ दस चैप्टर समाप्त हमारे। जुलाई में और सेशन रखेंगे, जुलाई में ये प्रयास करेंगे कम से कम 25 तक खत्म कर लें। सोलह से 24 से करी थी। हाँ सुर में टेक्निकल हेल्पर वाला भी तो पढ़ाया था मैंने। हाँ तो फिर तो एक महीना हुआ नहीं अभी क्लास चल रही। अरे लिख लिया ये नहीं, ये तो पूरी सतह है ना, इस पे तो रहेगा, ये लास्ट है ना, आवेश क्यू है ना। तो हम क्या करते, देखो जैसे यहाँ पर आवेश क्यू है तो हमेशा इसके रेस्पेक्ट में कुछ दिया नहीं था ना, तो हमने वन माना। तो यहाँ पर हम ये कह रहे कि एक क्यू है, एक हमारा वो धनात्मक इकाई चार्ज था वो हमारा यहाँ भी वन था, तो हमने क्यू इंटू वन करके ही करते हैं इसे। यहाँ भी हमने वही तो किया है भाई, यहाँ भी ने कुछ आवेश दे रखा है, तो हम इस बॉडी के कारण ही तो निकाल लें इंटेंसिटी। तो धनात्मक इकाई इसलिए तो शुरू में लिख दिया था कि वन एक ऐसी क्वांटिटी है प्लस वन, इससे अगर किसी में गुणा भी करोगे तो वो अनचेंज रहेगा। तो जैसे क्यू है मैं सतह पे लिखूंगा तो मैं यहाँ भी क्यू इंटू वन करके करूँगा, यहाँ भी क्यू इंटू वन करके करूँगा, तो ये यहीं तक एग्जिस्ट करेगा सतह तक, इससे अंदर अब ये सुनने हैं, चाहे सेंटर पे कहें चाहे किसी पॉइंट पर कहें कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलें आगे, पोटेंशियल भी इसी तरह से हम निकालेंगे। तो ये तो हमारा इंटेंसिटी निकालने का या तीव्रता निकालने का एक तरीका था। एक होता है विद्युत क्षेत्र का घनत्व जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, तो D बराबर में आवेश कितना हो गया जी, देखो Q अपॉन A, तो भाई कूलाम पर मीटर स्क्वायर। असली इसकी कहानी कुछ और है, देखिए असली कहानी ये है, D व ई में संबंध, ये बहुत जरूरी है। डी व ई में संबंध ये बहुत जरूरी भी है। तो डी बराबर में एप्सिलॉन ई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे एप्सिलॉन मतलब पराविद्युतांक की बात हुई थी। देखो यार एप्सिलॉन बराबर डी बटे ई, थोड़ा सा कुछ अलग पढ़ाएं, डी बाई ई। तो डी के लिए इकाई बोलो कितनी, अरे कूलाम पर मीटर स्क्वायर।
और इसके लिए न्यूटन पर कूलाम, तो एप्सिलॉन के लिए कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर, एग्जामिनर अगर ये दे दे तो टिक जरूर लगा देगा भाई, ये तो पढ़ ली ना हमने भाई, फैराड पर मीटर तो पढ़ ली हमने, लेकिन एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है डी बाई ई, डी का मतलब क्या कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ई का मतलब क्या न्यूटन पर कूलाम, कूलाम ऊपर चला गया तो कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये भी बहुत जरूरी इकाई हो जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक यूनिट और आएगी इसकी, चिंता ना करो अभी। याद आया कुछ? वोल्टेज, विभव, पोटेंशियल लिखाया था जी 8 AM से। बस कुछ का तो इनका ऑनलाइन वालों का ये है कि जैसे आंख खुली बस गुरुजी भी तभी उठे होंगे। क्लास 7 से चल रही है, एक लिख रही बच्चे इसमें कि 8 बजे से क्लास चल रही है। अच्छा विभव या वोल्टेज का मतलब क्या था? अरे परिभाषा क्या पहले लिखा चुका ऑलरेडी, बिल्कुल हम ये पढ़ते हैं V बराबर में W बाई Q जूल, यही था ना भाई, ये हमने पहले वाले में इसमें पढ़ लिया था। पढ़ लिया था नहीं? अच्छा भाई बच्चों एक बात बताओ कि अगर ये Q1 है अगर ये Q2 है तो बल, ये बीच की दूरी d है, बल क्या होगा? यही तो होगा। अच्छा तो W बराबर मेरे हिसाब से आप F(d) पढ़ते हो भाई, तो बेटा k Q1 Q2 बटे d हो जाएगा। अरे बटे में डी स्क्वायर है, डी है। अगर हम ये कहें कि हम या तो यहां पर या यहां किसी पर भी मान लीजिए ये ए है और ये बटे बी है, हमने कहा हम वी बी लिखना चाहते हैं, वी ए वी बी हम लिखना चाह रहे हैं, बट डब्ल्यू का मान क्या था के क्यू टू बटे डी बटे में आवेश क्या रखें, अरे ये तो होगा, मान लिया हम वी बी लिखें ये भी लिख लो, यह है एक ठीक है बच्चों, चलो एक बात बताओ पहले, ये दो आवेश है मान लिया क्यू और इनके बीच की दूरी डी थी, ठीक है भाई, तो अब ई का मान क्या लिखो? ये तो लिखोगे न्यूटन पर कूलाम,
इसमें बेटा वी का मान क्या लिखोगे? क्या बात, जूल पर गुलाम? अरे ये नहीं आएगा क्या? ये नहीं आएगा भाई? अरे इन 10 सेंटी में बटे में डी स्क्वायर था, इसमें डी आ रहा है, इसमें और क्या था? तो ये भैया समीकरण एक है और ये समीकरण दो है। तो हमने ये कहा कि समीकरण एक से दो को डिवाइड करने पर तो E बटे V बराबर में 1/D आ जाएगा। अरे भाई के क्यू बटे डी स्क्वायर बटे में के क्यू डी ऊपर 1/D, तो E बराबर में V बटे डी हो गया भाई। इसकी इकाई क्या बनेगी फिर? वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो है ही, यही हमारे लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है, यही हमारे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। खैर वो तो शब्द मैं तब जब अंडरग्राउंड केबल कराऊंगा तब लूंगा। तो हमारे लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी कुछ और नहीं है जो इलेक्ट्रिकल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, यही हमारे लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी है, यानी अलग अलग नहीं है। तो यूनिट क्या रखी आपने? अरे वोल्ट पर मीटर। अच्छा अब जरा वहां चलो, एप्सिलॉन बराबर में डी बटे ई। एक और इकाई देखें इसके क्या है। डी का मतलब है कूलाम पर मीटर स्क्वायर, E का मतलब है वोल्ट पर मीटर, मीटर से मीटर की एक पावर, तो कूलाम पर ये बेटा इसकी एक और यूनिट है भाई। एग्जामिनर आजकल कुछ भी दे दें ठीक है। चलो पहले यहां तक लिख लो, फाइनल करो। देखो जरा मैं
लिख लिया भाई यहाँ तक। हिंदी 2 घंटे चलेगा, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हिंदी जल्दी हो जाएगा। मतलब ये लगा लो ना कि जब मेरी क्लास नहीं होगी, मतलब आपको तो 3-4 घंटे उपस्थिति दर्ज करवानी ही है, तो फिर 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक वही लेंगे क्लास। हैं सभी की होगी ना हिंदी तो? अरे बढ़िया ना, कुछ तो निबट जाए अपना, बढ़िया अपना जो चीज़ें निबट जाए। इसे इसे बोलते तो हैं अभी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, देखना इंटरनेट पे देख लो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। हाँ एक ही होता है, एक ही तो है, तभी तो लगा ए बराबर वी बटे डी। चलो जब मिले तो बताना मुझे, यहाँ से आगे चलते हैं। अभी 3 चीजें और हैं, देखो चलो जो लिखिए जरा V बराबर के Q बाई R वोल्ट। अच्छा ये क्या होगा भाई, सतह? Q अपॉन स्मॉल R, देखिए इसका मतलब लाइन पास होने से नहीं है, इसका मतलब किसी भी मीडियम में काम करने से था। तो जब भी हम लोग किसी भी बिंदु पर अंदर इनसाइड बात करेंगे, यानी कि यहाँ, तो वोल्टेज वही बना रहेगा जो सरफेस पर है, या कहें कि वोल्टेज क्या हो जाएगा, अरे अंदर कांस्टेंट बना रहेगा किसी भी बिंदु पर, और किसके बराबर होगा मान, जो सतह पर है। अंदर फिर से बता दूं, अंदर वोल्टेज, अरे वोल्टेज वही होगा जो सतह पर स्थिर बना रहेगा मान, चाहे आप सेंटर में बात करें या किसी बिंदु पर। लेकिन E का मान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था वो क्या है, 0 है। ठीक है जी, चलो 2 चीजें और है जो दिमाग में रखनी है। देखिए कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो
बच्चे को थोड़ा परेशान करते हैं। एक शब्द है जो आपने लिखा था ना, रिलेटिव परमिटिविटी, हिंदी में क्या लिखते हैं, सापेक्ष पराविद्युतांक लिखा था ना शुरुआत में हमने। तो रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट, ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। अरे दोनों क्या है, एक ही है। तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों एक ही है, ठीक है जी। तो जिस पदार्थ की, अब देखो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का या फील्ड इंटेंसिटी जो हमने लिखा है, इसका मतलब समझिएगा, देखिए हमारे पास में पदार्थ होते हैं, लकड़ी है, पत्थर कहें, ग्लास कहें, पेपर कहें, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं नॉर्मली कुचालक पदार्थ। भाई चालक पदार्थ में हम फील्ड इंटेंसिटी या डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इसलिए नहीं लेकर चलेंगे, इसमें तो धारा बह ही रही है। मेरा कहने का मतलब यह है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को आपने यार वोल्ट पर मीटर में लिखा, या नॉर्मली जब हम किसी पदार्थ की बात करते हैं तो हम प्रदर्शित करते हैं ओरिजिनली किलो वोल्ट पर एमएम में, किसके लिए भाई, कुचालक पदार्थ के लिए। अच्छा जी, तो कभी ये मतलब सोचा है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि मान लिया मैंने इसमें कोई पदार्थ भर दिया, कुचालक पदार्थ भर दिया, और मुझे ये दिया गया हो कि भाई इसके लिए 50 केवी पर एमएम है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जैसे ट्रांसफॉर्मर ऑयल का 50, 70, 90 देता है ना यार, तो कभी इसका मतलब सोचा है कि मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है कि यदि इस 50 में हम दो रोड को 1 mm में रखें, ठीक है, और इनमें हम सप्लाई दें, तो इस 50 का मतलब होगा कि 50 केवी तक ये पदार्थ एक इंसुलेटर के तौर पे काम करेगा, लेकिन 50 से ज़्यादा यदि आप वोल्टेज दोगे तो इस पदार्थ का जो कुचालक वाली विशेषता थी वो समाप्त हो जाएगी, जिसे कहा जाता है ब्रेकडाउन। कहते हो ना अब भाई इंसुलेटर खराब हो गया, या इंसुलेशन था ट्रांसफॉर्मर ऑयल खराब हो गया, तो आप काम करते हो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को चेक करते हो, अगर ये ठीक है तो आपने कहा जी तो सही है, खराब हो गए तो बेकार है। जैसे हवा में आप 30 केवी पर सेंटीमीटर लेते हो, तो इसका मतलब है कि हवा पर सेंटीमीटर, मतलब कि दो रोड अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हो हवा में और 30 केवी आप लगा दें, तो तब तक तो वो इंसुलेटर है, और 30 से ज़्यादा अगर आपने लगा दी तो हवा भी कंडक्टर बन जाएगी। ये मतलब होता है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। तो जब आप लोग नॉर्मली ये बात करते हो इंसुलेशन डिजाइन करने की, भाई हम अलग अलग प्रकार के इंसुलेशन लेते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है
एक होते क्लास वाई, क्लास ए, क्लास बी, एक रह गया क्लास ई, क्लास बी, क्लास एफ, तो इसके जो रेंज है वो है 90 डिग्री भाई, ये बर्दाश्त कर सकती है इतने तक, ये 105 डिग्री, 120, 150-55 चलेगा, 180 से ऊपर। तो ये हमारे पास में जो ये क्लास दी गई है, कितनी क्लास है टोटल? 8-7। इन्हें कहा गया है क्लास ऑफ इंसुलेशन। तो मतलब ये क्लास ऑफ इंसुलेशन भी जो डिजाइन की जाती है, ये हमारी टेम्परेचर लिमिट और डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही डिजाइन की जाती है। चलो लिखो इसको, देखो फिर से बता दूं, डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग है, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट अलग है, ये जेई में भी सवाल आ चुका है। हाँ जी, देखो ना लिखा रखा है दोस्त, लिख लिया। चलो फिर एक चीज और लिखनी है इसमें, लिखनी पड़ेगी भाई एक चीज, हैं परमेबिलिटी तो चुंबकत्व में है, परमेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है।
हाँ, ये सब अलग अलग है। लिख लिया भाई? देखो अभी हमने ध्यान से देखना है, ये जितनी चीजें पढ़ी है हमने, ये कहा कि हमारे लिए एक ये सतह दी गई है, एक सरफेस है जो हमने लिया था अभी, गोलाकार सतह सरफेस। इसके अंदर जब भी हम लोग क्यू की बात करेंगे कितना होगा? ठीक है जी। इसके अंदर जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे कितना होगा? जीरो। इसके अंदर जब भी हम ई की बात करेंगे कितना होगा? जीरो। इसके अंदर जब भी हम वी की बात करेंगे तो ये कांस्टेंट। ठीक है भाई, अब तो याद रह सकता है ये। एक छोटी चीज को और याद रखें, देखिए एक होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस या सतह बराबर विभव सतह। इक्विपोटेंशियल है मतलब जिस सतह के सभी बिंदुओं पर समान आवेश आता, वो समान वोल्टेज आती हो, जिस सतह के सभी बिंदुओं पर समान वोल्टेज आती हो, इसे समान विभव सतह कहते हैं। खास बात ये नहीं है, खास बात ये है जो अब लिखेंगे, समान विभव सतह में आवेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए शून्य कार्य करना होता है। यदि आपको ये कहें, आपको ये लिख दे एक सवाल कि कोई आवेश यहां पर है, ये पॉइंट ए है, आपको कहें कि ये पॉइंट बी पर जाने में किया गया कार्य कितना होगा, कहा कि एक समान या इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पर आपको ये दे दिया कि एक आवेश यहां पर है क्यू इक्विपोटेंशियल पर, कहा ए से बी तक जाने में किया गया कार्य, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है सुनने कार्य। ठीक है जी, मतलब सवाल में लिख देगा, आने का चांस कम है कि इक्विपोटेंशियल सतह पर एक बिंदु ए पर स्थित है, इसे सी तक या बी तक जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, आप कहना सुनने है, विभव बराबर है हर एक सतह के हर बिंदु पर। बिल्कुल,
चलो जी, ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। अरे तो V बराबर W अपॉन Q आता है ना, जब वोल्टेज इक्विपोटेंशियल है तो W मतलब जीरो। तो वो जीरो ही तो आएगा, तभी तो वर्क जीरो है, तभी वर्क जीरो है। चले तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो कि हमारा समाप्त हुआ। यहाँ से आगे एक चैप्टर और कैपेसिटेंस, उसे कल करेंगे।